से बात करूंगा। आशीष जी काफी अनुभवी हैं, बाजार में बड़े उतार चढ़ाव देखे उन्होंने। आशीष जी ये बताइए कि ये बाजार क्या सेंस कर रहा है, ऐसा ब्रॉड बेस्ड पीएसयू अप मूव मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने बहुत दिनों बाद देखा है। नहीं ठीक है, ये बात ठीक है, आपके बहुत दिनों बाद देखा है। एक तो आई थिंक जो आप अनुभव की बात कर रहे हो, मेरा अनुभव यही है कि जो चीज एक तरह से कंसेंसस ओपिनियन बन जाती है ना, इवन लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक कंसेंसस ओपिनियन है मार्केट में पिछले 10 साल से कि पीएसयू स्टॉक्स में पैसे नहीं बनते, जो कि काफी सालों में ठीक भी था, पैसे नहीं बन रहे थे। पर जब तक ये पूरी चीज रिवर्स नहीं होती तब तक ये पीएसयू स्टॉक्स आपको सरप्राइज करते जाएंगे। जब पूरी मार्केट पूरा आपका जो सबसे लेट इन्वेस्टर या सबसे कहते हैं नोवे क्या कहते हैं जो इन्वेस्टर फंसने वाला इन्वेस्टर है, जब तक वो नहीं आके पीएसयू स्टॉक्स पूरे खरीदता तब तक ये चलते जाएंगे। क्योंकि मेरे मुताबिक ये 10 बार तक मेरे को याद है, ये मेरे ख्याल जो 2007 2003 और 7 की रैली थी उसमें पीएसयू बहुत भागे थे, उसके बाद अब ये भागने शुरू हुए हैं। तो ये 15 साल का कंसेंसस ओपिनियन था कि पीएसयू में पैसे नहीं बनते, तो ये आसानी से रुकने नहीं वाला। ये जब तक आपका पूरा कंसेंसस पूरा रिवर्स नहीं हो जाएगा कि पीएसयू स्टॉक्स में ही पैसे बनते हैं तब तक ये चलते जाएगा। तो इट्स अ वेरी लॉन्ग, अभी आज कुछ दिन में खत्म नहीं होने वाली, ये काफी देर चलेगी। और मेरे मुताबिक जब तक पूरे मैं कह रहा हूँ जो बिल्कुल इन्वेस्टर साइड पे बैठे हैं जिसने कसम खाई हुई है कि कभी पीएसयू स्टॉक्स नहीं हाथ लगाने, जब तक वो भी इन्वेस्टर नहीं बनता पीएसयू स्टॉक्स में तब तक ही खत्म नहीं होगी। बात तो आपने सही कही आशीष जी, कहीं ना कहीं बड़ा बाजार का बहुत, मुझे याद है 2013 में जब मोदी जी आए थे, ये गवर्नमेंट आई थी,